आज खुशियों की सीख के साथ रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह रचना रामायण के पात्र राम जी जब उनकी धर्मपत्नी सीता जी का त्याग करते हैं और उनसे त्याग होने के पश्चात उनकी मनोव्यथा कैसी होती है, इस रचना के माध्यम से अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तेरी याद में गुजरता हुआ प्रत्येक पल मुझसे कहने लगता है, तेरी याद में गुजरता हुआ प्रत्येक पल मुझसे कहने लगता है। उनके सुरीली मीठी आवाज में तुझे समाई है, उनकी सुरीली मीठी आवाज में तुझे समाई है, दिन रात यादों के गीतों में गाई है। उनके खामोशी में रोता हुआ दिल हर पल राखों में झलकने लगता है, तेरी याद में गुजरता हुआ प्रत्येक पल मुझसे कहने लगता है। और राम जी की दशा दिन प्रतिदिन कैसे होती जा रही है सुनने का प्रयास करते हैं। दिन का एक एक पल कलयुग सा लगने लगा है, दिन का एक एक पल कलयुग सा लगने लगा है, रात की अंधियारी आंसू की नींद सोने लगा है। उनके दुख से कटता ये यादें छुप कर भी कहने लगता है, तेरी याद में गुजरता हुआ प्रत्येक पल मुझसे कहने लगता है। इधर सीता जी की मनोव्यथा कैसी है, वो क्या सोच रही है, उसे इस रचना के माध्यम से सुनते हैं। पिया से मुलाकात मौत के आंगन में हो सकती है, पिया से मुलाकात मौत के आंगन में हो सकती है, इंतजार में तुम्हारे ना हंसती है ना रो सकती है, इंतजार में तुम्हारे ना हंसती है ना रो सकती है, अब नहीं खिल सकता हंसी का गुल, बताऊं अपने तकलीफ की आवाज, कैसे बताऊं अपने तकलीफ की आवाज, तुमसे दूर हूं कैसे बीता कल बीत रहा है कैसे आज, उनसे दूर हूं कैसे बीता कल बीत रहा है कैसे आज, चाहकर भी ना बोल पाई अपना ये बुरा हाल, सख्त जुबान सब कुछ कहने लगता है, याद में गुजरता हुआ प्रत्येक पल उससे कहने लगता है। और सीता जी अंतिम आशा राम जी के प्रति रखती है, उन्हें इस रचना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पिया हमेशा मेरे दिल में रहना, मुझसे नाराज ना होना, मेरे पिया हमेशा मेरे दिल में रहना, मुझसे नाराज न होना, मैं बेबस आपकी गुनहगार इस अभागिन के यादों से जुदा न होना, मैं बेबस आपकी गुनहगार इस अभागिन के यादों से जुदा न होना, मेरे तकलीफ को आपके यादों का पल हर वक्त जीने का सहारा लगने लगता है, तेरी याद में गुजरता हुआ प्रत्येक पल कहने लगता है। इस रचना के माध्यम से योग श्रृंगार को समझने का प्रयास किए और आगे खुशियों की सीख के साथ आगे सुनते हैं।
और या किसी प्रकार का तकलीफ आपके मन में हो, तो आप उन तकलीफ को किसी के पास व्यक्त करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के समक्ष अपनी मनोव्यथा को बताने का प्रयास कीजिए और देखिए कि वो व्यथा किस प्रकार कम हो जाती है, क्योंकि उस पीड़ा को ये तीनों हर लेते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम माता पिता और गुरु के समक्ष अपनी करुण व्यथा को कभी भी व्यक्त करें, उनसे छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। खुशियों की सीख में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।